हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग प्रोसेस पार्ट टू की। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था वो पार्ट वन था, तो उस वीडियो में क्या था, अभी ऐसी कोई एक इंडस्ट्रीज जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट में जो लगने वाला रॉ मटेरियल होता है यानी कि कच्चा माल होता है, तो उसकी कोई भी स्क्रैप नहीं बचती, यानी कि वो 100% ही कंज्यूम हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी ऐसी के इंडस्ट्रीज जहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट में जो लगने वाला रॉ मटेरियल होता है वो कुछ स्क्रैप के रूप में बच जाता है, और कुछ ऐसे रॉ मटेरियल भी होते हैं जो हमारे शॉर्टेज यानी कि घट भी जाते हैं। और आज की इस वीडियो हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो स्वीट प्रोडक्शन का लेंगे, यानी कि एक ऐसे होटल से या ऐसे कोई रेस्टोरेंट जिनका वर्क होता है मिठाई बना के बेचना। तो वो लोग सबसे पहले जो मिठाई में लगने वाले जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे शुगर हो गए, कलर्स वगैरह हो गए, ऑयल वगैरह हो गए, या कोई भी जो प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, शुगर वगैरह, घी वगैरह, जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल लगते हैं वो परचेज़ करते हैं, और उसके बाद में स्वीट्स में जो भी उनको प्रोडक्ट बनाना होता है उसमें वो कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वन के अंदर एक डेस्कटॉप का प्रोडक्शन किया था, तो सबसे पहले जल्दी से एक बार उसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा परचेज वाउचर है जिसमें डेस्कटॉप में जो लगने वाला रॉ मटेरियल होता है उसे हमने परचेज किया था, और उसके बाद में हमने उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर की एंट्री भी करी थी, यानी कि नेमो प्रोडक्ट जिसका हमने जनरेट किया था SCL डेस्कटॉप, और इसकी जो क्वान्टिटी थी वो 8 पीस की थी, और ये जो था इसका रॉ मटेरियल यानी कि इसके कॉम्पोनेंट्स जो SCL डेस्कटॉप PC बनाने में कंज्यूम हुए थे, और ये तो कंज्यूम हमारे 100% ही कंज्यूम हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी स्क्रैप हमारे पास नहीं बची थी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होते ही ऐसे हैं जिसके अंदर जो भी उसका रॉ मटेरियल होता है वो 100% ही कंज्यूम हो जाता है, उसमें कुछ भी स्क्रैप हमारी नहीं बचती। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसका कोई स्क्रैप अगर बच जाता है या स्क्रैप हमारे पास कुछ घट जाता है, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि कुछ प्रोडक्ट हमारे पास शॉर्टेज भी हो जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये डेस्कटॉप हमने कैसी तरह से एंट्री करी है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है ऊपर, आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। तो जल्दी से हम हमारे टेली के अंदर एक कंपनी हम क्रिएट करेंगे, Alt+F1 करूँगा और क्रिएट कंपनी, और जो आज की हमारी जो कंपनी रहेगी वो स्मार्ट स्वीट्स के नाम से रहने वाली है, और यहाँ पर हमारा एड्रेस रहेगा। कंट्री हमारी इंडिया रहेगी, स्टेट हमारा राजस्थान रहेगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल को एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ, और जो फाइनेंशियल रहेगा वो भी हमारा 1/4/2020 से रहेगा, और सिक्योरिटी कंट्रोल को भी एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ मैं, और इंटर प्रेस करते हुए इस कंपनी को मैं क्रिएट कर लूँगा। कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद जो फंक्शन हमें इनेबल करने होते हैं, जैसे GST, तो सबसे पहले हम GST को इनेबल करेंगे। तो GST को इनेबल करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, और F11 करने के बाद कंपनी फीचर में एक ट्रेजरी एंड टैक्सेशन जो 3 नंबर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे, और सबसे पहला जो फंक्शन है वो GST का है, इसे हम यस करेंगे, और सेट डिटेल के अंदर भी इसे यस करेंगे। तो स्टेट हमारा राजस्थान रहेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर मैं रेगुलर सेलेक्ट करूँगा, और बाकी सब एंट्री फिलअप करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, और इसे भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद जो सेकेंड जो हमारा काम होता है वो अकाउंटिंग जो भी हमारा वाउचर नंबर रहता है उसे ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल करना। ऑटोमेटिक का कैसे फ्रेंड, जब भी आप देख रखा हो आपने कोई परचेज या कोई सेल्स की जब आप एंट्री करते हो, तो आपने जैसे परचेज की एंट्री करी तो आपका जो कर्स रहता है वो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पे रहता है, तो आप हमें चाहिए कि हम जो हमारा इनवॉइस का जो नंबर होता है परचेज वाउचर नंबर, वो हम जहाँ पे एक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लिखें। तो इसी तरीके आपने देखा होगा जब आप सेल्स की एंट्री कर रहे होते हो तो आपका जो कर्सर है वो रेफरेंस नंबर पर रहता है, यानी ये टेली जो ये वाउचर नंबर की जो सीरीज है ये ऑटोमेटिक रखता है, हमें ऑटोमेटिक हटा के इसको मैनुअल करेंगे। तो मैनुअल करने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे टेली के अकाउंट इन्फो पर, वाउचर टाइप पर,
और एल्टर पर एंटर प्रेस करेंगे। तो मैं सबसे पहले परचेज वाउचर को मैं मॉडिफाई करूंगा, तो परचेज वाउचर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ये, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है, हमें ऑटोमेटिक की बजाय अब मैनुअल इसे रखेंगे। और प्रिवेंट डुप्लीकेट को भी मैं यस करूँगा और इस तरीके से मैं एंटर एंटर एक्सेप्ट करते हुए उसको सेव करूँगा। इसी तरीके से मैं मेरा सेल्स वाउचर को भी मैं ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल करूँगा और कंट्रोल एस के साथ इसे एक्सेप्ट करूँगा। तो आप इस तरीके से बारी बारी आप सभी वाउचर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक की बजाय से मैनुअल रख सकते हैं जिस जिस वाउचर की आपको ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हमने आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्वीट्स की रहेगी, यानी कि मिठाई बनाते वक्त किस तरीके की एंट्री हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रॉ मटेरियल परचेज करके रखा हुआ है विजय ट्रेडिंग कंपनी से, जो हमारे स्वीट्स में लगेगा। तो जल्दी से हम इस वाउचर की एंट्री हम करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हमें टेली स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर पर हम जाएंगे और उसके बाद परचेज वाउचर के लिए हमें F9 की पर प्रेस करनी पड़ेगी कीबोर्ड से। तो ये हमारा परचेज वाउचर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाउचर नंबर एंटर करेंगे जो हमारा आ रहा है इनवॉइस नंबर 2514 और इसकी जो डेट रहने वाली है वो है 10 जुलाई, और रेफरेंस नंबर में हम इनवॉइस नंबर ही डाल सकते हैं। तो पार्टी अकाउंट नेम किस पार्टी का नाम था, विजय ट्रेडिंग कंपनी। तो हम Alt+C से शॉर्टकट ये इसके लेजर क्रिएट करूँगा, विजय ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हमारा सप्लायर है, तो सप्लायर्स को हम रखते हैं सेंट्री क्रेडिटर्स में। तो बाकी फिलअप को हम एक बार इंटर इंटरसेप्ट करते हैं, उसको मैं सेव करूंगा। तो नेम ऑफ आइटम यानी कि जो पहला प्रोडक्ट था वो है बेसन, तो हम Alt+C से यहाँ पे स्टॉक आइटम को मैं क्रिएट करूंगा बेसन। अब ये हमारा स्वीट्स का रॉ मटेरियल है, तो हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे स्वीट्स रॉ मटेरियल, और ग्रुप क्रिएट करने के लिए Alt+C स्वीट्स रॉ मटेरियल और एंटर एंटर प्रेस करते उसको मैं सेव करूंगा। अब यूनिट्स के अंदर यानी कि इसका जो पैमाना हम यूज जो करने वाले हैं, इसको हम किस तरीके से केजी में करेंगे या क्विंटल में करेंगे, तो वो हम सेटल इसका करेंगे। तो इसके जो यूनिट हम करेंगे वो केजी में रखेंगे इसको, और यहाँ पर भी हम केजी सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल में हम इसको 3 रखेंगे, क्योंकि केजी की कंडीशन में हमेशा नंबर ऑफ डेसिमल है जो 3 ही रहता है। तो इस तरीके से अल्टरनेट इसकी यूनिट हम कुछ भी नहीं बनाएंगे और बिल ऑफ मटेरियल भी हम इस पर कुछ भी सेट नहीं करेंगे और GST डिटेल हम इस पर सेट करेंगे। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जम्प्टेड यानी कि टैक्स फ्री का है, तो इसका जो HSN कोड है वो 1101 रहने वाला है और इसमें ओन वैल्यू और ये एग्जम्प्ट इंटरप्रेस करते हुए इसको टाइप ऑफ सप्लाई में हम इसको गुड्स रखेंगे और इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके इसकी जो क्वांटिटी वो 20 किलो है और 75 रुपये पर केजी का रेट है। अब हमें एक स्पेसिफाई परचेज का एक लेजर हमें पूछेगा भी आपको ये जो प्रोडक्ट है कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना है। तो हमें पता है ये हमारा स्वीट्स का रॉ मटेरियल परचेज है और टैक्स फ्री का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम एक Alt+C के साथ लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का, स्वीट्स रॉ मटेरियल टैक्स फ्री परचेज, और अंडर में रहेगा ये परचेज अकाउंट के एप्लीकेबल, ये टाइप जो GST डिटेल हम इसे नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में इसे गुड्स करते हुए इसको सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है घी का, हम घी के नाम से भी एक प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है और ये भी KG में हमने परचेज किया हुआ, इसको GST डिटेल इसकी यस रहेगी और इसका HSN जो कोड है वो 0405 रहने वाला है और ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है क्योंकि इस पर CGST और SGST 6% लगा हुआ है, तो ये हमारा 12% का प्रोडक्ट है और इसको हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख के इसको भी हम सेव करेंगे। तो ये हमारा जो रॉ मटेरियल है वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है और ये 12% का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम परचेज का एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे, ये स्वीट्स रॉ मटेरियल GST 12% परचेज और टाइप ऑफ इसको हम गुड्स रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो 3 नंबर जो प्रोडक्ट है वह है लड्डू का कलर्स,
कलर, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है और ये भी हमारा केजी में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, एप्लीकेबल रहेगा। और HSN कोड इसका जो है 0814, ये भी हमारा टैक्सेबल प्रोडक्ट है और GST इस पर जो लग रही है वो 5% की है। इसको हम टाइप ऑफ गुड्स रख के इसको भी मैं एक्सेप्ट करेंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 kg है, 4500 रुपये इसका पर kg का टैक्सेबल रेट है। तो ये हमारा 5% का प्रोडक्ट है, तो हमें 5% के लिए भी अलग से एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। इनकी स्वीट्स का हमारा रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल GST 5% परचेज काउंट, और इसको भी हम परचेज में रखेंगे और एप्लीकेबल और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स में रखेंगे। और चौथी जो आइटम थी हमारे साथ शुगर, ये भी रॉ मटेरियल है और इसको हम केजी में यूज़ करेंगे और HSN कोड इसका जो है 1701 रहने वाला है, ये भी टैक्सेबल प्रोडक्ट है और GST इस पर भी 5% की लगती है और इसको भी हम इंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 25 kg और एक का जो रेट है टैक्सेबल रेट वो 35 रुपये, और ये हमारी 5% की है, तो इसे भी हम 5% में रखें क्योंकि हमने 5% का रॉ मटेरियल का लेजर जो ऑलरेडी बना रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो अब टैक्स जो लगने वाला है, इनपुट CGST टैक्स और इनपुट SGST टैक्स, अंडर में रहेंगे ड्यूटी टैक्सेस, GST रहने वाला है और ये सेंटर का टैक्स। तो इसी तरीके से इनपुट SGST टैक्स, GST और स्टेट का टैक्स। तो इस तरीके से ये टोटल जो इनवॉइस की जो वैल्यू है हमारे साम, इस टोटल है जो इसका 8360 रुपये, यानी कि 34 पैसे राउंड ऑफ किया हुआ है। तो हमारे साम भी ये अगर हम 34 पैसे इसको भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST इस पर लग नहीं रही तो इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एंटर एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें ये 66 पैसे है तो प्लस हमें 34 पैसे जो ऐड करेंगे, तो इस तरीके से ये 8360 रुपये का जो टोटल वैल्यू है जो वो इसके बराबर मैच हो जाएगी और इसमें इंटर एंटर सेव करते से एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये रॉ मटेरियल टोटल जो परचेज कर लिया। अब हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमारी फिनिश गुड रहेगी। हम इसे इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे और क्रिएट करेंगे। अब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लड्डू का बना रहे हैं, लड्डू। अब ये हमारा फिनिश गुड है तो हम इसे स्वीट्स फिनिश गुड्स का एक ग्रुप के नाम से इसको अंडर में रखेंगे और ये भी हम केजी में सेल करेंगे। तो अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसलिए हम इस पर बिल ऑफ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको यस करेंगे तो हमें पूछेगा अभी आप किस चीज़ का निर्माण कर रहे हो, हम कर रहे हैं लड्डू। तो अब यहाँ पर हमें पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि आप हमें जो इसकी जो यूनिट सेट करनी है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हमें जो सेट करनी है वो पर केजी के हिसाब से हम सेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 1 kg अगर लड्डू बना रहे हैं तो हमारा जो इसमें जो बेसन जो लगने वाला है वो 500 ग्राम रहेगा और उसके बाद घी इसमें जो लगने वाला है वो 200 ग्राम इस पर केजी के अंदर जो लगेगा और इसमें जो कलर हमारा रहने वाला है वो हमने एक एस्टिमेटेड दे दिया 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम हमारा पर केजी के अंदर लगेगा। और इसी तरीके से फोर्थ आइटम हमारी लगेगी शुगर, अंडर में ये कॉम्पोनेंट्स हैं और ये 300 ग्राम। तो फ्रेंड इसके अंदर रॉ मटेरियल आपके और बहुत हो सकते हैं और ये आपकी जो क्वांटिटी है ये भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो हम केवल यहाँ पे इसको एक समझने के लिए एग्जांपल के रूप में इसको एस्टिमेटेड एक क्वांटिटी इसकी डाली है। तो हमने जो 4 रॉ मटेरियल लिए थे वो हमने यहाँ पे इसको सेट ऑफ कर दिया है और एंटर एंटर प्रेस करते हम इसे सेव करेंगे और इस पर जो GST लगने वाली है इसका HSN कोड जो भी रहेगा हम उसको देंगे और ये हमारा टैक्सेबल प्रोडक्ट रहेगा और इस पर जो 5% है ये हमारी स्वीट्स के अंदर रहेगी। तो इसको एंटर एंटर एक्सेप्ट करते हुए हम सेव करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा हमारा सेट हो चुका है। अब हमें एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो अंडर में ये रहेगा सिलेक्ट टाइप वाउचर में स्टॉक जर्नल
इसे हम ऑटोमेटिक रख लेंगे। और ये ऑप्शन हमें यस करना कंपलसरी है, यूज़ ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी। क्या आपने जो ये वाउचर क्रिएट किया ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वास्ते पर्पज़ से किया है क्या, तो हम इसे यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हमें जो इसकी लड्डू की जो प्रोडक्शन हमें करनी है वो प्रोडक्शन हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे एल्ट एफ सेवन। जैसे हम एल्ट एफ सेवन प्रेस करेंगे तो जो अभी हमने वाउचर एक क्रिएट किया था स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग के नाम से वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो हम लड्डू का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें लड्डू आ गया। अब जो क्वांटिटी है आप कितने केजी इसके अंदर बना रहे हो, तो हमने कहते हैं 5 केजी हम बना रहे हैं। तो जो 5 केजी के अंदर लगने वाला जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी हमें ऑटोमेटिक दिखा देगा। यानी कि बेसन आपका 2.500 केजी लगेगा, घी आपका 1 केजी लगेगा, जो लड्डू का जो कलर है वो 50 ग्राम लगेगा और शुगर है वो 1.500 केजी लगेगी। तो इस तरीके से ये जो कंपोनेंट इसने ऑटोमेटिक पिक किया वो जब हमने लड्डू का जो स्टॉक आइटम क्रिएट करी थी उस वक्त जब हमें बिल ऑफ मटेरियल में जो सेट किया था उसी हिसाब से ये पिक करेगा। तो अब इस तरीके से ये तो था भी इसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया। अब इसमें क्या हुआ, अभी ये जो शुगर है वो 100% जो 1.5 किलो हमने एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट इसको दिया था वो ये 1.5 चीनी है, इसमें से कुछ चीनी हमारी बच गई। अब मान लीजिए इसके अंदर हमारी चीनी है जो 100 ग्राम चीनी है जो बच चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटम शुगर हमको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं देनी, हम देंगे क्वांटिटी में। हम क्वांटिटी में ये देंगे भी हमने जो 1.5 किलो 5 किलो में लगनी थी वो 1.5 किलो वो पूरी नहीं लगी है, यानी कि 1.500 केजी पूरी कंज्यूम नहीं हुई है, उसके अंदर 100 ग्राम बच गई, यानी कि एक्चुअल में 1 किलो और 400 ग्राम ही लगी है। तो हम यहाँ पर 100 केजी इसको वापस करेंगे। तो इसी तरीके से हम ये मान के चलेंगे भी जो एक बेसन का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो भी 2 किलो 500 ग्राम लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें भी 150 ग्राम है वो बच चुका है। तो यहाँ पर भी इसको 0.150 ग्राम देंगे, तो यानी कि ये 150 ग्राम हमारे अब स्टॉक आइटम में ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारे पास ये स्क्रैप जो बचा हुआ है हम इसे स्क्रैप यूजलेस नहीं मान सकते, क्योंकि अब ये नहीं है भी जो हमारे पास 100 ग्राम या 150 ग्राम अभी जो बेसन बचा हुआ है ये खराब हो चुका है। ये बचा हुआ है, ये कोई ख़राब नहीं हुआ। हम ये जो शुगर 100 ग्राम बची है हम इसके बाद में कोई भी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो बेसन हमारे पास 0.150 केजी यानी कि 150 ग्राम जो बचा हुआ है वो कोई ख़राब नहीं हुआ, वो बच गया एक्स्ट्रा, यानी कि हमें उसको कम यूज़ किया है। तो ये भी इस बेसन को भी हम कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ बनाएंगे इसमें तो उसमें भी हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें स्क्रैप उसको हम ये मान सकते हैं एक बार जो स्क्रैप बच गया वो यूज़ नहीं होएगा। तो ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं इसलिए हम इसको क्वांटिटी में मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक बार स्क्रैप में चला गया यानी कि उसको आप दोबारा कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारी स्क्रैप मानी जाती है। उसको फिर हम परसेंटेज ऑफ एलोकेशन में लेते हैं, यानी कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे 5% या 7% या 10% की स्क्रैप जाती जाती है, जो स्क्रैप जो बच गई वो यूजलेस है। तो हम ये मान के चलेंगे भी ये जो बेसन ये जो शुगर हमारे पास जो बची है वो हम इसको नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे यानी कि और कोई स्वीट्स हम बनाएंगे उसमें हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी कि इसे बनाने में आपका खर्चा कितना लगा है। तो ये तो था अभी तक हमारे सामने भी इसका जो रॉ मटेरियल लगा है वो। अब टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट मान लीजिए किसी भी कारीगर ने आपसे मिठाई बनवाने के पैसे अलग से लिए हैं, तो अगर आपसे ऐसे लिए तो आप इसको टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में यहाँ एक बार मत करना। आपको इसकी एंट्री मैं करके दिखाऊंगा आप कैसे करोगे इसे। तो एक बार इसे एंट्री एंटर प्रेस करके मैं एक्सेप्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जल्दी से एक बार हम इसका स्टॉक देख लेते हैं। जैसे हम स्टॉक समरी पर जाएंगे तो डिटेल के साथ अगर हम इसे देख रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए बेसन का स्टॉक हम देख रहे हैं, तो अब बेसन का अगर हम स्टॉक आपको मैं दिखाऊं तो ये जो 150 ग्राम हमारे पास बचा हुआ था ये हमारी परचेज की लिस्ट में वापस ऐड हो चुका है, यानी कि हमने 20 किलो परचेज किया था और 2 किलो 500 ग्राम हमारा कंज्यूम हो चुका था। अब इसमें से 0.150 केजी यानी कि 150 ग्राम हमारा बच चुका है, तो ये हमारा 150 ग्राम है जो स्टॉक में ऐड होएगा, यानी कि ये जो स्क्रैप है वो हमारा यूजलेस नहीं है, ये यूजेबल है, इसे हम दोबारा भी यूज़ करेंगे। तो अब मान लीजिए किसी भी आपने मतलब व्यक्ति ने इस जो 5 किलो हमने लड्डू जो क्रिएट बनाए हैं प्रोडक्शन इसके की है तो उसके लेबर हमारे
अलग से अभी देने वाली बकाया पड़ी है, यानी कि वो अभी तक हमारे से लेके नहीं गया है, तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और इसकी हम एक जर्नल एंट्री पहले करेंगे। तो जर्नल एंट्री से हमें दो लेजर हमें और क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो लेजर हमारा डेबिट होएगा वो रहेगा स्वीट्स एक्सपेंसेस, यानी कि जो स्वीट मिठाई बनाने में जो खर्चा लगा है हमारा वो, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। तो अभी एक बार इस पर हम GST इनेबल नहीं कर रहे, इसको मैं ऑफ रखूँगा और इसको मैं सेव करूँगा। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति ने वो लड्डू बनाए थे उसने ये कह दिया भी मैं 100 रुपये मेरी लेबर बनी है, तो हम एक बार इसको स्वीट एक्सपेंसेस को हम 100 रुपये यहाँ पर डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जिस व्यक्ति ने वो बना के गया है। अब मान लीजिए कोई भी ABC व्यक्ति हो सकता है, हमने ABC सिंह हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया, तो वो हमारे लिए एक करंट लाइबिलिटीज है, तो हम इसको करंट लाइबिलिटीज में रखेंगे और इसको एंटर प्रेस करते हुए उसको, तो वो हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसके साथ हम इसे क्रेडिट करेंगे। यानी कि ABC सिंह अब हमारे से जो 100 रुपये है वो उसके बनते हैं, लेकिन अभी वो लेके नहीं गए हमारे से, हम हमारे से बाद में लेके जाएगा, और इसको एंटर प्रेस करके हम सेव करेंगे। यानी कि वो 10 जुलाई में उसके 100 रुपये उसके बन चुके हैं। अब मान लीजिए वो 12 तारीख में हमारे से पेमेंट लेने आता है, तो जब भी हमारे से पेमेंट लेने आएगा 12 तारीख में, तो हम 12 तारीख में इसकी एंट्री करेंगे और पेमेंट वाउचर में उसके ABC सिंह को 100 रुपये उसके डेबिट करेंगे। और अगर हमें नगद दिया है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर हमने बैंक के द्वारा भुगतान किया है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एंट्री एक्सेप्ट करके उसको एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार हम देख लें तो इस तरीके से एंट्री हमें दिखाई देगी। ये अब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो स्वीट फिनिश गुड का ये आ रहा है और रॉ मटेरियल का ये आ रहा है। अब जब इस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, यानी कि हम इसको एक बार मैं आपको वही वाउचर दोबारा दिखा देता हूँ, तो जो एस्टिमेटेड हमारी जो कॉस्ट आई थी पर केजी की वो 118 रुपये और 5 पैसे पर केजी की कॉस्ट आई है, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑन प्राइमरी आइटम। अगर इसको हम सेल अगर करते हैं इसी लड्डू को, तो अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे और हम FAT से सेल्स वाउचर को करेंगे, तो इनवॉइस हमारा एक नंबर रहेगा और हमने केस हमने सेल करी है लड्डू और 2 किलो हमने सेल कर दिए और एक का जो रेट है वो 180 रुपये टैक्सेबल रेट है। तो अब हमारे सामने जो लेज़र बनेगा सेल्स का वो स्वीट्स फिनिश गुड्स GST 5% सेल का बनेगा और अंडर में रहेगा ये सेल्स काउंट और टाइप ऑफ सप्लाई हमारी रहेगी गुड्स और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद इस पर जो टैक्स लगेगा हमारा आउटपुट CGST टैक्स और ये अंडर में रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस CGST और इसको हम रखेंगे सेंटर टैक्स और इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट SGST टैक्स रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, GST रहेगा और स्टेट टैक्स और इसकी एंट्री हम इस तरीके से पास करेंगे। और अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम दोबारा देखें तो इस तरीके से, यानी कि ये हमारे पास अभी 8 रुपये और 37 पैसे का हमें ग्रोस प्रॉफिट अभी हुआ है, यानी कि 342 रुपये की सेल करने के बाद। तो इसी तरीके से अगर कोई भी मतलब जो रॉ मटेरियल अगर हमारे पास कम अगर रह जाता है, मान लीजिए हमने एक ये वाउचर एंट्री करी थी, अब ये हमें पता चले भी जो कलर है वो हमारा 50 ग्राम की बजाय वो 70 ग्राम हमारा कंज्यूम हुआ है 5 किलो में, तो हम इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो अभी जो हम हमारे सामने जो शो हो रहा है ये यानी कि 50 ग्राम है, अब हमें पता भी ये 70 ग्राम कंज्यूम हुआ है, तो हम इसको 70 ग्राम यहीं से चेंजिंग कर देंगे इसकी और एंटर करके इसको वापस इसे एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि जो रॉ मटेरियल हमारे से शॉर्ट हुआ है उसे हम इस कॉलम में बढ़ा देंगे और जो हमारे पास रॉ मटेरियल बच गया वो उसे इस कॉलम से हम क्वांटिटी में ऐड कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो स्टॉक है उसको हम एक बार देख लेंगे, यानी कि जो लड्डू कलर का जो स्टॉक रहा था वो हमारा अब पॉइंट यानी कि 70 ग्राम के हिसाब से वो लेस हुआ है, यानी कि 2 kg हमने परचेज किया था और 0.70 kg वो जो हमारा कंज्यूम हो चुका है। तो इस तरीके से ये इसका क्लोजिंग स्टॉक का जो सेस रह जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो एक बार नहीं देखा पार्ट वन, तो उसे भी एक बार जरूर देख लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।